से बाजार में पसरा सन्नाटा। छतरपुर जिले में सोमवार को 3 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। अभी तक बाजार में दिखने वाली रौनक पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील हो गई। छतरपुर नगर के बाजार में सन्नाटा नजर आ रहा है। सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर घरों में बैठ गए। लवकुश नगर के वार्ड नंबर 2 में 2 कोरोना के मरीज मिले, तो वही नवगांव थाना क्षेत्र में ग्राम कूट एक और मरीज मिला, जिससे प्रशासन के माथे पर पसीना आ रहा है। पुलिस अधीक्षक कुमार ने ग्राम कालापानी पहुंचकर कंटेनमेंट एरिया का किया निरीक्षण, तो वही जिला कलेक्टर शीलेन सिंह ने नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कूट में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कालापानी में पाए गए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति द्वारा अवगत कराने पर महाराजा कॉलेज के सामने स्थित डॉक्टर वाजपेयी कार्डियोलॉजिक एवं डायबिटिक सेंटर एवं छत्रसाल चौराहा स्थित नेहा डिजिटल एक्सरे सेंटर, सांधी पैथोलॉजी सेंटर छत्रसाल चौराहा को सील कर दिया गया। अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 9 हो गई है। छतरपुर वासियों से मेरा अनुरोध है, जैसा कि आपने देखा कि नौगांव के कैथो कर, विशा नगर के काला पानी और अभी आज कुंड गांव और एक लोकस नगर वार्ड क्रमांक 2 के 2 पेशेंट और आए। सर, कुल मिलाकर के अभी तक छतरपुर में 9 केसेस हो गए हैं, जिसमें से 1 रिकवर हुआ है। परंतु आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की घड़ी में आप लोग सभी लोग जो बाहर से आए हुए हैं, मैं उन सभी प्रवासी मजदूर भाइयों से अनुरोध करूँगा कि वो जहाँ पर भी हैं अपने घरों में क्वारंटाइन रहें। अगर उनको किसी भी तरह के सिम्टम्स आते हैं, किसी तरह की सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर या गले में खराश की प्रॉब्लम है, तो उसकी जानकारी तुरंत अपने स्थानीय जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसको दें, या शासकीय अस्पताल जो नज़दीकी है उसमें तुरंत उसका सैंपल लेने के लिए कहें। दूसरा, मेरा जो यहाँ के प्राइवेट चिकित्सक हैं जो इलाज कर रहे हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जब भी उनके पास कोई ऐसे पेशेंट्स आएँ जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अर्थात जो किसी आसपास के राज्यों से या दूरस्थ राज्यों से छतरपुर लौट करके आए हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स को अगर सर्दी, खांसी, जुकाम या फीवर के लक्षण हैं, तो इनको अपने यहाँ इलाज करने की बजाय पहले इनके सैंपल्स देने के लिए जिला अस्पताल या जो नज़दीकी शासकीय अस्पताल है उसके लिए भेजें। अगर उनका कोरोना टेस्ट निगेटिव आता है तो उसका इलाज करें, अर्थात शासकीय अस्पताल उनका इलाज करेगा। सभी छतरपुर वासियों से मेरा अनुरोध है कि छतरपुर में कोरोना फैलने के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में आप लोगों को बहुत ज़रूरी होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें, सैनिटाइजेशन के नॉर्म्स का पालन करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। हो सकता है हम लोग कभी आगे आने वाले समय में छतरपुर को लॉकडाउन की स्थिति में लेकर के जाएँ, क्योंकि अगर कोरोना को रोकना है तो लॉकडाउन एक ही मात्र उसका तरीका है, तो उसको हम लागू करेंगे, जिससे कि छतरपुर में जितने भी प्रवासी मजदूर भाई आ गए हैं, अगर उनके पास सिम्टम्स हैं तो उनको जिस एरिया में हैं उसी एरिया में रोक लिया जाए, आगे फैलने से उसको बचाया जा सके। आज से हम लोगों ने, बल्कि पहले से ही सभी SDMs को कहा है कि ऐसे मजदूरों की जानकारी एकत्रित करें, उन सभी परिवारों का पुनः घर घर जाकर के सर्वे कराया जाएगा, और वो स्टार्ट हो गया है, जिससे कि अगर वो आ गए हैं और उनको कोई सिम्टम्स हैं तो जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन और इलाज चालू हो सके। अभी हमारे ज़िले में जितने भी कोरोना पॉजिटिव केसेज आए हैं सभी स्टेबल हैं, किसी की स्थिति ऐसी नहीं है जो कि गंभीर हो, सभी